तुझे समझ नहीं आती किस बात की? मैंने तुम्हें क्या कहा था इधर जमीन में नहीं घुसना? कल फैसला हो गया पंचायत का। तो भाई कौन सी पंचायत, कौन सा फैसला? पंचायत भी तुम्हारी, बडेरे भी तुम्हारे, और फैसला हो गया। मेरे भाई जो फैसला अदालत में मिलेगा ना, मैंने उसको तस्लीम करना है। केस अदालत में है, इससे पहले तू जमीन में नहीं घुस सकता। चल निकल शाबिश। चल तू यहाँ से चल। तू जानते है मुझे? और तू यहाँ से निकल चल। अच्छा तू नहीं निकलेगा? नहीं निकलूंगा। मैं तुझे बताता हूँ, रुक। आया बड़ा बदमाश। भाईजान क्या मसला है, क्या हुआ, शोर किस चीज का है? यार पंचायत ने काली जमीन का हमारे हक में फैसले भी कर दिया, लेकिन ये इस फैसले को मान नहीं रहा। यार अगर इतना ज्यादा मसला तो 15 पे कॉल कर लो। कोई मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगी इस बदमाश को, टेंशन ना लो आप। ओ क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता है ये कौन है? हाँ पता है, दुश्मन है हमारा। और नहीं है हमारा दुश्मन, हमारे चाचा का बेटा है, हमारा खून है ये। ओ कौन सा चाचा, कौन सा खून? हमारी जमीन पे तो कब्जा कर लिया इन्होंने। ओ भाई कल पंचायत ने उनके हक में फैसला दे दिया है। किस बात की जमीन? ओ भाई मैं इस पंचायत के फैसले को नहीं मानता, मैं सिर्फ अदालत के फैसले को मानूंगा, और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता मैं इसको इस जमीन में नहीं घुसने दूंगा। यार कभी तुम कहते हो पंचायत का फैसला मानना है, कभी तुम कहते हो अदालत का फैसला मानना है, चाहते क्या हो तुम? बड़ा शौक है तुम्हें बदमाशी करने का। बदमाशी करना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कल जब तुम जेल में जाओगे ना, वहां तुम्हारी अम्मा और बहन जब तुम्हारी मुलाकात के लिए आएंगी ना, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर तुम्हारी गैरत गवारा करेगी। और यार खुदा के लिए इन जमीनों के लिए एक दूसरे को काटना बंद कर दो, कल को मरना नहीं है तुम लोगों ने। अपने खुदा को जाके क्या मुंह दिखाओगे, ये जमीनें यही रह जानी है। भाई जो पंचायत ने फैसला किया ना, हमें आमीन है, हमें कोई अदालत का फैसला नहीं करना, ये जमीन आपकी है। बंदूक उठाना आसान है, मगर जब ये गले का बोझ बन जाती है तो इससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। इस बात को याद रखें कि मरने के बाद कोई कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। खुदारा अपने रिश्तों को संभाल कर रखें।